अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट के सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें मैंने बतानी है, इम्पैक्टेड जो वैक्स होती है कान में उसकी ट्रीटमेंट क्या। वी आर डूइंग एक्चुअली द मिसलिनियस कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल ईयर डिजीजेस, ठीक है। अच्छा, इम्पैक्टेड वैक्स की जो ट्रीटमेंट है ना, ये क्योंकि इतनी कॉमन सी कंडीशन है और आपके ओपीडी में या कहीं भी आप जब ईयर के सिस्टम में होते हैं तो आपके बेशतर पेशेंट्स आते हैं जो इम्पैक्टेड वैक्स के साथ आ जाते हैं। सो उनको कैसे मैनेज करना, यू मस्ट नो। आपसे वाइवा में ये बात मेरा ख्याल है ईयर के वाइवा में लाजमी पूछते हैं। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद थोड़ी बहुत वैक्स की बात पहले हम कर लेते हैं कि आती कहाँ से है। हमारे कान में सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है। सेबेशियस और जो स्वेट ग्लैंड है ना, वो मिलके अपनी सिक्रीशंस देते हैं, और ये दोनों खुलते कहाँ पर हैं, जो हमारा हेयर फॉलिकल्स की जहाँ पर ओपनिंग है उधर ही खुलते हैं। तो एक तो हेयर्स है हमारे हेयर है हमारे कानों में, सॉरी हेयर्स कह दिए मैंने, साथ सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड हैं। तो इनके जब सिक्रीशन सारों की मिल जाती है ना, साथ कुछ ना कुछ डर्ट आती है जो कि साथ ही बीच में ही रुक जाती है इन सब के, और थोड़ा बहुत केराटिन होता है, कुछ डेब्रिस होता है, ये सब मिलके हमारा वैक्स बनाते हैं। ऑरिजिन बेसिकली इन दोनों की सेक्रीशन से, कॉम्पोजिशन में इसकी हमारे पास इन ग्लैंड्स की सेक्रीशन, साथ इसके हेयर डिस्क्विमेटेड एपिथेलियल सेल्स और डर्ट वगैरह भी आती है, ठीक है। ये इसकी ओरिजिन एंड कॉम्पोजिशन होगी। फिर फंक्शन क्या है, वैक्स बेसिकली एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होती है। थोड़ी बहुत वैक्स जो नॉर्मली प्रेजेंट होती है, जो बनती है उसके लिए, वो इसलिए ज़रूरी होती है कि आपके कान में मुसलसल जो भी चीज़ें जा रही हैं उनमें से जो डर्ट है, फॉरन पार्टिकल्स हैं, उनको ट्रैप कर लिया जाए और वो कान में आगे ना जा सके। दूसरा इसकी जो एक MCQ है वो ये कि इसकी pH एसिडिक होती है। दिस इज़ योर MCQ, ठीक है। एसिडिक pH है हमारे वैक्स की। नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ी बहुत जो वैक्स बनती है ड्राई अप हो जाती है, और मीटस से आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस से खुद ब खुद ही एक्सक्रीट हो जाती है, या फिर आप थोड़ा बहुत जब नहाते नहाते हैं तो साफ सुफ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिनकी कुछ लोग होते हैं ना, जिनमें होते हैं नॉर्मली ही पसीना ज़्यादा आता है, उनमें जाहिर सी बात है स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन नॉर्मली हेरिडिटरी ही उनमें इन्हांस्ड होती है। तो उन लोगों में जो स्वेट की प्रोडक्शन है ना, वो भी थोड़ी स्वेट के लिए वैक्स की प्रोडक्शन भी थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर वो लोग जो बिल्कुल भी कान साफ नहीं करते हो, जो अनहाइजीनिक कंडीशन कायम करके रखते हैं, उनमें भी ये इम्पैक्शन वैक्स हो सकती है। तो ये जो सारे के सारे ना फैक्टर्स हैं। और दूसरा फिर ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी किसी हेरिडिटरी कंडीशन की वजह से उनकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल अगर स्टीनोज्ड है या नैरो है, उनमें वैक्स की इम्पैक्शन हो सकती है, या फिर उनके हेयर स्टिफ हो गए हैं किसी पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से, कोई मसला हो गया कहीं पर उनकी जो इस्थमस वाली जगह है वहाँ तक किसी तरह वैक्स चली गई, कोई फॉरेन बॉडी फंसी थी उसकी वजह से वैक्स कलेक्ट हो गई, फॉरेन बॉडी तो निकल गई लेकिन वैक्स वहीं रहेगी। तो कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जिससे वैक्स इम्पैक्ट हो जाए उस जगह पर, तो वो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। किस सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं, फुलनेस ऑफ हेयर, कान भरा भरा लग रहा है मुझे और सुनाई कम दे रहा है, यही दो उसके मेन सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, ठीक है। सबसे कॉमन कि कान भरा भरा लग रहा है और सुनाई भी कम दे रहा है मुझे, तो आप देखते हैं। और साथ कभी कभार हो सकता है कि उसे थोड़ा बहुत टिनाइटिस यानी कान में कई घंटियों की आवाज़ें आती हैं, हल्के फुल्के चक्कर आते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है। और अगर वैक्स इतनी डीप गई हुई है कि वो जाके आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ टच कर रही है, तो फिर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व के एक्टिवेट होने की वजह से पेशेंट को खांसी हो सकती है। आपने देखा ना, कान में अगर आप बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करें तो आपको एकदम खांसी आ जाती है। दिस इज़ बेसिकली रिफ्लेक्स कफ होती है, जो कि ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व की वजह से होती है। तो अगर वैक्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक टच कर रही हो तो ये भी पेशेंट इसके साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ हो कि किसी कंडीशन में सपोज कोई स्विमिंग वगैरह कर ली पेशेंट ने, पानी कान में चला गया, तो जो वैक्स पहले थोड़ी थी वो मजीद स्वेल होगी, तो वैक्स ग्रेनुलोमा भी बन सकता है, ठीक है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट दो तरह से की जा सकती है, सिरिंजिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन। बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने पेशेंट के कान को अपवर्ड बैकवर्ड एंड लैटरली खींचना है ताकि उसकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल सीधी हो जाए। अपवर्ड बैकवर्ड लैटरली मतलब UBL, ठीक है। आपको पता है ना, हमेशा जो हमारी कैनाल है वो नॉर्मली एस शेप्ड है, उसको सीधा करने के लिए आप अपवर्ड बैकवर्ड लैटरली खींचते हैं कान को, UBL खींच लिया। उसके बाद आपने एक लंबी सी सिरिंज सी होती है जिसमें होता है पानी, ठीक है, नॉर्मल सलाइन या फिर और बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ही वो होता है। हमने देखना होता है कि वैक्स को ना हम इस तरह से लोकेट होके, हमारी जो पोस्टर सुपीरियर वॉल है, अगर ये हमारी पूरी एक्सटर्नल किनारा है तो जिसकी जो पोस्टर सुपीरियर वॉल है उसके अलॉन्ग हम अपनी सिरिंज लेके जाते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि वैक्स से इस तरह हम उसे प्रेशर से पानी को फेंकें कि वो वैक्स के पीछे जाए, ताकि अगर वैक्स यहाँ पर इंपैक्टेड है तो उस पर प्रेशर और वो आगे से निकल आए, ठीक है। ये तरीका होता है। अगर वैक्स इतनी इंपैक्टेड है कि पूरा का रास्ता ही बंद है, तो फिर हमने पहले पोस्टर सुपीरियर वॉल के अलॉन्ग सिरिंज के जाने के लिए रास्ता बनाना होता है ताकि हम उससे पीछे पानी को फेंक सकें। अगर हम वैक्स के आगे करते रहेंगे ना सिरिंजिंग, तो वैक्स अंदर चली जाएगी ज़्यादा बजाय बाहर निकलने की। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ। सी आप ये पिक्चर देखें, इसमें आपको नजर आ रहा है कि उसने सिरिंज डाली है और सिरिंज इस तरह से पोस्टर सुपीरियर वॉल के अलॉन्ग गई है कि उससे पानी जो है वो वैक्स के पीछे की तरफ जा रहा है, और इससे वैक्स आपकी बाहर निकलेगी। मैंने भी बताया कि अगर पूरी इंपैक्टेड होगी तो ज़रूरी है कि पहले रास्ता बनाया जाए पानी के जाने के लिए, कभी भी आगे वैक्स के पानी हाली नहीं डालते जाना, वरना उससे ज़्यादा अंदर चली जाती है और डीप इंपैक्शन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी हमारी सिरिंजिंग।
अच्छा, उसमें फिर आपने बातें जो ध्यान में रखनी है, ऑफ कोर्स ये बात है कि ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप उसको छोड़ दें। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है या फिर वो बेहोश होने पे आ रहा है या फिर उसकी गिडनेस बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इस तरीके को फिलहाल के लिए छोड़ें और पहले पेशेंट मैनेज करें और देखें कि अंडरलाइन कॉज क्या है, ठीक है। और ये करने से पहले सबसे ज़रूरी काम है कि पेशेंट से आपने पूछ लेना कि कोई पहले ईयर में इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, बिकॉज ऐसा ना हो कि उसको ऑलरेडी अंदर से उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड हो और उसका पहले क्रॉनिक सेपरेटिव राइटिस मीडिया हो और आप पानी डाल के उसकी अंदर मिडल ईयर में भेज दे और उसके बाद जो मसला नहीं था वो मसला खड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये पूछना जरूर है कि उसे कान में कोई इससे पहले कोई मसला तो नहीं था या है, जरूरी है। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपकी वैक्स, ये नॉर्मली तो सिरिंजिंग से ठीक हो जाती है, नहीं हो सकती तो आपने इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन करनी है। इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन क्या होती है, एक हुक जैसा स्ट्रक्चर होती है, मतलब आगे से जिसको शायद आप लोग उर्दू में ना चिमटी भी कहते हो, कि ऐसे मतलब पीछे से वो सीधा होता है और आगे से हल्का सा ना ऐसे कर्व्ड सी होती है, मतलब ऑलमोस्ट ये स्टील सा बना हुआ होता है कान के लिए। ज़ाहिर है ये तो मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, जो स्टील का बना होता है इसके लिए तो स्पेशल मटेरियल्स के भी होते हैं, अब आते हैं जिसे आप कान में करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, बेसिकली ये ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपके कान है ना, सपोज़ ये, और ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और यहाँ पर वैक्स फंसी हुई है, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको, जिसके ऐसे हुक शेप है कि आप इसके ऊपर से ये स्लाइड करके जाएगा और यूँ हुक्सी होगी इसकी, जो इसको आप जब बाहर खींचेंगे तो ये वैक्स को अपने साथ ले आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा करके एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ होता है हुक जैसा, तो दिस इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन जो हम इससे करते हैं। लेकिन इसके लिए स्किल्ड हैंड होना ज़रूरी है, कोई भी कर देगा बंदा तो वो आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर या डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हैंड स्किल्ड होने चाहिए पेशेंट बंदे के। दूसरा ये कि अगर आपने इस बात को नोट लाजमी रखना है कि वैक्स जो है वो इतनी सॉफ्ट है कि आराम से निकल आएगी, क्योंकि अगर हार्ड इम्पैक्टेड या ड्राई वैक्स है तो ज़रूरी है कि पहले आप उसको सॉफ्ट कर लें 5% सोडियम बाइकार्बोनेट के ड्रॉप्स से। ये एमसीक्यू आता होता है कि किस किस्म के ड्रॉप्स डलते हैं, 5% सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, जो आप सॉफ्ट करते हैं, सॉफ्ट करने के बाद आप उसको निकालते हैं। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ है इम्पैक्टेड वैक्स के बारे में। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।